जय हिंद। नेशनल एंड इंटरनेशनल डे के सीरीज़ में आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है वर्ल्ड वाटर डे यानी विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस 1993 से हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस का उद्देश्य ताजे पानी के महत्व के बारे में और मीठे पानी के संसाधनों के स्थायी प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में इसे मनाने की सिफारिश की गई थी। विश्व जल दिवस 2022 का थीम ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल है, जिसे 21 मार्च 2022 को सेनेगल में 9वें विश्व जल मंच वर्ल्ड वाटर फोरम के उद्घाटन सत्र में इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्स असिस्मेंट सेंटर द्वारा प्रस्तावित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य 6 SDG 6 2030 तक स्वच्छ जल तक पहुँच एवं स्वच्छता हेतु समर्पित है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2018 से 2028 तक के दशक को जल कार्रवाई दशक घोषित किया है। इस अवसर पर यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट भी जारी किया जाता है। नीति आयोग द्वारा 2018 में संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक जारी किया गया था। स्वजल योजना जो वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था तथा राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप मिशन, दोनों ही योजनाएं आर्सेनिक फ्लोराइड प्रभावित ग्रामीण बस्तियों में सुरक्षित जल उपलब्ध कराने से संबंधित हैं। जल जीवन मिशन, जिसके 19 करोड़ लाभार्थी हैं और 2024 तक इसकी आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 100% पेयजल कनेक्शन उपलब्ध हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में जल आपूर्ति का यह आंकड़ा 5% से भी कम है। सोचिए, कहीं 100% और कहीं 5% से भी कम। तो कहीं ना कहीं ये हमारे जल संरक्षण को प्रभावित करता है, तो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक कारण यह भी है, देश में 1170 मिलीमीटर औसत बारिश होती है, लेकिन हम सिर्फ 6% ही पानी सुरक्षित रख पाते हैं। वाटर एंड संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के कुल जमीनी पानी का 24% भारतीय उपयोग करते हैं। एक रिपोर्ट में भारत को चेतावनी दी गई है कि यदि भूजल का दोहन नहीं रुका तो देश के बड़े जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। 75% घरों में पानी के साफ पीने की पहुंच ही नहीं है। केंद्रीय भूगर्भ जल बोर्ड द्वारा तय मात्रा की तुलना में भूमिगत पानी का 70% ज़्यादा उपयोग हो रहा है। पृथ्वी की सतह का 71% हिस्सा पानी से भरा हुआ है। एस्चेरिया कोलाई की एक एकल कोशिका में 70% पानी, एक मानव शरीर में 60-70% पानी, पौधे के शरीर में 90% तक और वयस्क जेलीफिश का शरीर 94-98% पानी से बना होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं पानी की क्या महत्व है, पानी के महत्व को समझ सकते हैं। तो आज का हमारा सेशन ही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।